बदलेंगे, बस उसको करने के तरीके बदलते जाएंगे, बेसिक्स वही होंगे, उनको करने के तरीके बदलते जाएंगे। मैंने क्या किया कि जब मेरे बच्चे की शादी का टाइम आया तो मैंने लिस्ट को कॉपी में प्रॉपर तरीके से उतारी। मेरे जो गेस्ट हैं, जो मेरे रिश्तेदारों की लिस्ट, मेरे दोस्तों की लिस्ट, मेरे मोहल्ले वालों की लिस्ट, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग किया या नहीं किया? किया। कितने लोगों को बुलाना है? 1000 लोगों की लिस्ट है तो 1000 लोगों में वही लोग मेरे फोन नंबर में भी है, लेकिन मैंने उसके बाद भी उसको लिस्ट बनाया। क्यों सर? ऐसा क्या कारण था कि जब मैं नेटवर्क, मैं अपने बिजनेस की लिस्ट बनाने की बात आती थी तो मैं उस लिस्ट को मोबाइल में तो है इग्नोर किया, लेकिन जब मेरे बच्चे की शादी की बारी आई तो मैंने क्या किया, प्रॉपर लिस्ट में। क्यों ऐसा अंतर क्या क्यों आया? कहीं कुछ छूट ना जाए, कुछ ये भी सोच, तो ये चीज हमने अपने बिजनेस के लिए क्यों नहीं सोची? वही मैं पूछना चाह रहा था, उसका रीजन। बच्चे की शादी एक अल्टीमेट गोल है, करना ही है, करना ही है, कोई उसका दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। लेकिन डायमंड देखो, कोशिश करके देखते, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भाई कूद के देख लेते हैं, ऐश्वर्या राय नहीं तो बंदरिया तो है। ये सोच की वजह से हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग शुरुआत ही इनसे गड़बड़ हो गई हमारे पास, हमने इसको बिजनेस की तरह लिया ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी भी कि कितने लोगों के पास लिखी हुई प्रॉपर लिस्ट है और उस पर वो काम कर रहे हैं, मैं हाथ भी नहीं उठवाता, नहीं तो पोल खुल जाएगी। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको, और आप ये गलती ना करें कि मोहिंदर सिंह जी को या तिवारी जी को कॉपी कर रहे हैं, है ना, कि यार उनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस उन्होंने फोन किया, उन्होंने कुछ लोगों को कॉल किया, उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क तक, उस लेवल तक पहुंचने में उन्होंने क्या काम किया है? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले वो आपको नहीं पता है। एक बंदा मेरे को फोन करके बोलता है कि सर बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन आपके पास तो बहुत लोग हैं, आप तो जिनको बोलते हो फोन पर जुड़ जाते हैं, आपके पास तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब तेरे को कितना टाइम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में? बोले 17 साल। मतलब भाई मेरे को भी 20 साल हुए, मेरे को भी 20 साल हुए, लेकिन तेरे को 17 साल हो गए, अभी तक तेरे पास क्यों नहीं है लोग? गिरेबान में झांक के देखो, आपने उस सिस्टम को फॉलो किए बिना, काम किए बिना, सिर्फ दूसरों की कॉपी करते गया और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में छलांग लगाते रहे, आपने काम नहीं किया। जिस सीरियसनेस के साथ में आपने अपने बच्चे की शादी की लिस्ट बनाई, उसी सीरियसनेस के साथ में आपको एक प्रोफेशनल की तरह अपना रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। इसके बिना आपकी सुई हिलेगी भी नहीं, क्योंकि मकान बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, जो भी लगेगा, उसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते, ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। और यहां गलती एक और सबसे बड़ी करते हैं, हम प्री जज करना शुरू कर देते, हम प्रीजज करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं आजकल, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम केवल और केवल दिमाग में एक ही चीज बैठा के रखे, नेटवर्कर की लिस्ट बनाना। हम केवल नेटवर्कर ढूंढते कि पकी पकाई रोटी मिल जाए मुझे, उसको पकाना ना पड़े, बुरी बात नहीं है, करो, लेकिन आपका सबसे बड़ा बिजनेस सर आज से 20 साल पहले से कौन लोग नेटवर्क कर रहे हैं? सिर्फ आज से 18-20 साल हो गए हम किसी, आप बताइए सर, आपने जब पहली बार शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, आपने क्या कैसे किया था? पहली बार किया था तो जो हमारे अप्लायंस थे उनसे सीखते क्या, किनको प्लान दिखाते थे? नए लोगों को दिखाते थे। सर आपने भी वही किया होगा? उस टाइम नया दौर था, लोग नए थे, नेटवर्कर तो हमने बनाए थे, वो तो बिल्कुल फ्रेश आए। एग्जैक्टली, देखिए मैं क्या बुलवाना चाहता था, सर ने वही बोला, नेटवर्क मार्केटिंग, अभी आप नेटवर्कर को ढूंढ रहे हो, राइट? और हम जब शुरू किए थे ना, उस टाइम हमारा पड़ोसी भी हमको नेटवर्कर दिखता था, हमारा रिश्तेदार भी हमको नेटवर्कर दिखता था, है ना, हमारे दोस्त को जो ट्यूशन पढ़ा रहा है टीचर, वो भी नेटवर्कर दिखाई देता था। जिस ऑटो में हम बैठकर